और ये कलीसिया बंद हो गया कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है हर घर कलीसिया बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। शैतान थोड़ा खुशी हो रहा था किसी भी कारण से चर्च का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अभी वो हैरान हो गया ताकि एक चर्च का दरवाजा बंद हुआ हजार घर का दरवाजा खुल गया प्रभु के नाम की महिमा के लिए। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी, ये है परमेश्वर। तो बहुत लोग एक डाउट था चर्च क्यों बंद हो गया, बहुत लोग जीवन में ये सवाल था, सारी दुनिया में चर्च क्यों बंद हो गया। प्रे भाई प्रे बहन, ये नया बात नहीं है। जो पुराना नियम से ही ये चीज चलता है ताकि जब जब इसे लोग पाप करते हैं तब तब प्रभु क्या करते थे, खुद अपना मंदिर को अपना भवन को खुद ही तोड़ी देता है। हालेलुया। इसी तरह कब कब प्रभु अपना मंदिरों को थोड़ा थोड़ा सा देखे, अभी क्यों आराधना बंद है इसको हम जाने, मन फिरे, हम पश्चाताप करें, हम घुटना माजे, हम उपवास करें, प्रभु दोबारा कलीसिया का दरवाजा खुल जाएगा। आइए इस वक्त हम लोग मंदिर को जाएंगे, निर्गमन का किताब 25 का 8 पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 25 का 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, कि मैं उनके बीच निवास कर सकूं। एक मिनट हम अपने आंखों को बंद करके एक मिनट तहे दिल से प्रभु से अपने आपको दीन करके, निम्र करके, शून्य करके अब प्रभु से विनती करेंगे। प्रभु आज मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मेरा परिवार से बात कर, आज मेरा अंगों को खोल दे, मेरा खानों को खोल दे, आज पवित्र आत्मा की आवाज को मेरे दोबारा सुनने में प्रभु सहायता कर, सारी रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। दोबारा पड़ेगा, परमेश्वर मूसा से बोला और वे मेरे लिए, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, मैं उनका बीच में निवास करूं। ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक बहुत अच्छा प्रभु एक आज्ञा दे रहा है। क्या कर रहा, तू मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना। क्या है, स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पैरों की चौकी। इतना महान परमेश्वर के लिए हम लोग पवित्र स्थान बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। वो बोल रहा है ताकि मैं तुम्हारा बीच में निवास स्थान, पढ़िएगा दोबारा, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास, मैं उनका बीच में निवास करूं, निवास करूं। सारी दुनिया को सृष्टि किया, सारी सूरज चांद को सृष्टि किया, सब कुछ जीव जंतु पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत सब कुछ सृष्टि किया। और क्या वो परमेश्वर को पृथ्वी में एक अपने लिए जगह वो तैयार कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता, कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान नहीं लिखा, पवित्र स्थान तैयारी करना। ध्यान दीजिए वहां पर बेड़ी को, मेरे लिए एक पवित्र स्थान तैयारी करना क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तुम्हारा बीच में मैं रहने के लिए मेरे लिए एक पवित्र स्थान, तुम्हारा पड़ेगा, और मैं मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, पवित्र स्थान बनाना, परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास रहूं, मैं उनके बीच में निवास कर। परमेश्वर का इच्छा यही है ताकि वो हमारा बीच में निवास करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में रहे, ये मूसा का तंबू में फैलर हो गया, लेकिन नया जैसल में आप प्रकाशित वाक्य को उसका 21 में आप देखेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। मिला तो पढ़ सकता है प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 3। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में। आदि से लेकर परमेश्वर का यही इच्छा था वो अपना डेरा मनुष्य के बीच में रखे। बार बार कोशिश किया, बार बार
प्रभु मनुष्य को इतना महान प्रेम किया ताकि अपना छाया में मनुष्य का सृष्टि किया, लेकिन वो बड़े किया। उसके बाद उनका नियम, उनका नियम लोक द्वारा किया वो भी खत्म हो गया। अब्राहम के साथ पाचा बांधा खत्म हो गया। अभी मूसा के साथ कलाम दिया उसमें भी बड़े किया। आखिर में अपना एकलौटा पुत्र का बलिदान के द्वारा प्रभु एक निवास स्थान बनाना चाहते हैं। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। ध्यान दीजिएगा, यह निवास स्थान बनना परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था। इसे निवास स्थान कैसे बनाएंगे, इसका उसका निवास स्थान कैसे बढ़ेंगे पड़ेगा नीचे, उसके नीचे। और जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, हाँ, निर्गमन का 25 का 9वां वचन, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, जो कुछ मैंने तुम्हें दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान, अर्थात वो निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसका सारे सामान का नमूना, निवास स्थान और उसका सारे सामान का नमूना, उसी के अनुसार, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना, तुम लोग उसका बनाना। जैसा मैं नमूना दिखाऊंगा उसी के अनुसार ही मैं क्या कर रहा है, उसी को बनाना है। बहुत अच्छा आज्ञा दिया मैंने तुम पवित्र स्थान बनाना ताकि मैं तुम्हारा बीच में रहना चाहता, लेकिन उसका कैसे बनाना, मैं नमूना दिखा दूंगा। उसी नमूना के अनुसार निवास स्थान और उसके अंदर का सारी सामान उसी का अनुसार होना चाहिए। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। अभी उसमें इतना गहराई में नहीं जाएंगे। उसके बाद उनके लिए एक बहुत अच्छा मिलाप की तंबू बनाया। जब उसको मूसा ने डेडिकेट किया, क्या वो मन में आकाश से आग वेदी पर आया है, स्वर्ग से आग वेदी पर आया। तो उसके बाद दाऊद को परमेश्वर ने बोला है, तुम्हारा बेटा के द्वारा मेरे लिए एक स्थिर निवास स्थान बनाऊंगा। तो देख सकते हैं वैसा ही क्या क्या सुलेमान एक परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया है। प्रेतलाल मंदिर बना के उसका वर्णन पूरा आप देख सकते हैं दूसरा इतिहास में, चार से लेकर पढ़ते समय उसमें पूरा वर्णन लिखा हुआ है चार अध्याय से। तो उसका क्या कर दिया सुलेमान, बहुत अच्छा बड़ा, उसी दिनों का वर्ल्ड का वंडरफुल था, अजूब, क्या बोलते, अजूबा, अजूबा था। तो बड़ा मंदिर, इतना स्वर्ण का मंदिर बनाया, उसका वो डेडिकेट भी किया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं निर्गमन का किताब उसका धोखा दूसरा, सॉरी दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 5:13-14 पड़ेगा। और जब तूरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और आराधना धन्यवाद करने लगे, वहां पर देख सकते हैं तूरी बजाने वाले और गीत गाने वाले एक स्वर, बाजा बजाने वाले एक स्वर से, एक स्वर से यहोवा की स्तुति, यहोवा का स्तुति और धन्यवाद करने लगे, धन्यवाद करने लगा। तूरियां झांझ, तूरियां और झांझ आदि बाजे बजाते हुए, सब प्रकार की बाजा बजाते हुए यहोवा की स्तुति, और यहोवा का स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। ऊंचा शब्द से, प्रभु का आराधना कम उसमें नहीं होता है, प्रभु का आराधना पूरा मन से, पूरा मन से, पूरा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलकर महिमा किया जाता है। हाँ, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो बोला है, भला है, उसकी करुणा सदा की है, गिर गया। हाँ, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, यहोवा के भवन में बादल छा गया, महिमा का बादल उतर गया, महिमा का बादल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बादल उतरना है, प्रभु की महिमा उतरना है, जहां पर उसके नाम का महिमा होता है वहां पर प्रभु उतर कर महसूस करने वाला है। उस जहां पर प्रभु की महिमा उतरता है, अग्नि का खंभा उतरता है, अग्नि का बादल उतरता, बादल का खंभा उतरता है। और 7:1-3 तक, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिर कर, उसके बाद आप पढ़ के देख लीजिए उसका अगला वजन से सुलेमान का प्रार्थना हो रहा है बादल में, बादल में परमेश्वर का महिमा उतर गया वहां पर सुलेमान, 6 अध्याय पूरा सुलेमान का प्रार्थना। ओके, वो प्रार्थना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ के देख लीजिएगा। प्रार्थना किया और तब स्वर्ग से आग ने गिर कर, स्वर्ग से आग गिरा। देखिए जिस दिन उसी प्रभु का भवन को डेडिकेट किया उसी दिन प्रभु की महिमा उतरा है, प्रार्थना हुआ है। जब सुलेमान प्रार्थना करके आमीन बोला तो क्या हुआ,
बलि तथा अन्य बलियों को अन्न बलियों को भस्म किया। जोरदार थाली बजा के जीवित परमेश्वर को महिमा करेंगे। प्रिय भाई बहन, प्रभु उसी पवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर, जब उस पवित्र स्थान में हम लोग एक साथ प्रभु की महिमा करते हैं, सारे जंग बजाकर उसका ऊंचा सबसे आराधना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रभु की महिमा के बादल उतरता है और प्रभु का आग उतरता है। आपका सारी बलियों को, धन्यवाद बलि को, सारी स्तुति बलिदान को वो ग्रहण कर लेता है। हाँ, तीन तक याजक और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हाँ, याजक यहोवा के भवन में, यहोवा का तेज प्रभु की भवन में भर गया। फिर भाई बहन, यदि हम प्रभु का भवन पाते हैं, या चर्च में किना हो या अपना घर में भी किना हो, प्रभु बोला है जहां पर दो या तीन जन मेरा नाम से इकट्ठा है, मैं उनका बीच में रहता हूं करके वायदा किया है। और विश्वास योग्य परमेश्वर है, जहां पर सच्चाई से आराधना होता है वहां पर क्या होता है, प्रभु की महिमा उतरता है, प्रभु का उपस्थिति उतरता है, प्रभु का आग उतरता है, प्रभु की बादल उतरता है। और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज भवन में भर गया था। प्रभु परमेश्वर का तेज उनका भवन में भर गया। और जब आग गिरी, आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे, सारे इस्राएल लोग देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना प्रभु भूमि की ओर किए हुए, वो भूमि पर मुख के बल फिर के दंडवत किए, दंडवत किया। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ऐसे लोग कौन है? उन लोग का जिंदगी भर चिन्ह चमत्कार को देखा, मिस्र में 10 चमत्कार को देखा, इतना सारी रास्ता में चिन्ह चमत्कार को देखा, लाल समुद्र को पड़ा कर लेकर आया, मूसा का बपतिस्मा दिया, उनका प्रभु भोजन हुआ, उसे चट्टान से पिया, वो चट्टान उसके साथ चलता था, वो प्रभु यीशु मसीह था, एक ही आत्मिक भोजन मिला, मन्ना हर दिन खाया, हर दिन चमत्कार, हर दिन प्रभु क्या करता है, उनका मन्ना देता है। सारी दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता था, जंगल में मन्ना मिलता, हर दिन मन्ना, जो चट्टान में पानी। प्रिय भाई बहन, हर दिन उन लोग का क्या करता है, दिन में धूप में डेसर्ट एरिया में उनको बादल छा गया ताकि उसका धूप से असर ना हो जाए, उसके साथ उनका सारे तंबू में करंट इलेक्ट्रिसिटी, रात को अग्नि का खंभा खड़ा हो जाता है, सारी इसराइलों का तंबू में बिजली मिल जाता है और गर्म मिल जाता है। प्रिय भाई बहन, इतना चिन्ह चमत्कार देखा, यॉर्डन को फार कर आया, अंदर प्रवेश किया, खानन में प्रवेश किया, आज उनका एक भवन निर्माणित हुआ, उसमें भी प्रभु की महिमा आंखों को सामने गिरा। क्या ये सब कुछ देखने के बाद क्या वो लोग भड़क सकता है, उसे जीवित परमेश्वर से भड़क सकता है? प्रिय भाई बहन, आज उन लोग का दोस्त रहते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, जीवित परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार का हमारे जीवन में हर दिन देखते हैं, उनका कलाम को जानते हैं, हम अच्छे तरह जान कर रखा, वो ये सच्चाई परमेश्वर है, उसका छोटा उठाई नहीं है, उनका आज्ञा सब कुछ सही है, आकाश और धरती ठहर जाएगा लेकिन वचन का एक अक्षर एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। ये सब कुछ जान कर भी आप कितना प्रभु का वचन का आज्ञाकारी बनते, आप कितना प्रभु का वचन को मानना चाहते, जो जो हमें पसंद है वो केवल मान लेते, जो हमारा पसंद नहीं है उसके सही कर देते। प्रिय भाई बहन, आज इतना महान परमेश्वर वो अपना खुद ही मंदिर बनाने के लिए बोला, और मिलाप की तंबू वही इन्होंने बनाया, और सुलेमान का मंदिर ने उन्होंने बनवाने के लिए बोला, सब कुछ उन्होंने नमूना दिखाया, सब कुछ किया, उसका डेडिकेशन में प्रभु की महिमा उतरा, प्रभु की बादल छाया, अग्नि उतरा, इतना सारी इसराइल लोग अपना आंखों से सब कुछ देखा। हालेलुया। तीन तक हो गया, तो यहां पर देख सकते हैं, उसी दिन रात को परमेश्वर सुलेमान से बात कर रहा है, देख लीजिएगा दूसरा इतिहास उसी में 7:12 से लेकर। तब यहोवा तक, तब यहोवा ने रात को उसका दर्शन देकर उससे कहा, रात को यहोवा ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैं तेरा प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए, इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए, यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है, अपनाया मेरे लिए भवन करके, मैं क्या करूं, मैं संभाल लिया, मैं अपना लिया। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, यदि कभी मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा ना
जातियों को देश में भेजो या अपनी प्रजा में मरी फैलाओ या अपना प्रजा में किसी प्रांत की मरी फैलाओ या कोरोना फैलाओ, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते जो मेरे कहलाता है दीन होकर पहले दीन होना है, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप पे पहले क्षमा करूंगा और उनके देश को उसके देश को जो कर त्यों कर दूंगा। तो अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उससे मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। इस स्थान में करने वाला हर प्रार्थना के लिए मेरा आंख खुली और मेरा कान लगे रहेंगे क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है मान लिया है और पवित्र किया है, मैं इसको पवित्र भी कर दिया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरा नाम ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, मेरा नाम सदा के लिए इसी में बनी रहे। मेरी आंखें मेरे दोनों मन दोनों नित्य लगे रहे, मेरा आंख मेरा मन सब कुछ नित्य इसी मंदिर पर लगी रहे। यदि तो अपने पिता दाऊद के समान तुम अपना पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर अपना को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे तो मेरी सब आज्ञाओं का अनुसार मेरा सब आज्ञाओं को अंडरलाइन कीजिए, मेरा सब आज्ञाओं को अनुसार किया करे और मेरी विधियों मेरा विधियों और नियमों को मानते रहे तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। हालेलुया, मेरा आज्ञा मेरा खला मेरा नियमों को मेरा विधियों को तो सत्य मानते रहे, ये मंदिर में मैं सदा रहूंगा। 19 से पढ़ेंगे, पर यदि तुम लोग और मेरी विधियों आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दिया है त्यागो, दोबारा पढ़ो, परंतु यदि तुम लोग फिरो, यदि तुम लोग प्रभु का जानता है लोग फिरेगा प्रभु का अंत तक जानता है, यदि तुम लोग मुझसे फिरो बड़ा चाहे और विधियों और आज्ञाओं को और इसी विधियों और आज्ञाओं को मैंने तुमको जो दिए हैं मैंने तुम्हें जो तुम्हें दिया है त्यागो और जाकर पराये देवता की उपासना करो, जाके पराये देवता को तुम उपासना करो और उन्हें दंडवत करोगे या उसको तुम दंडवत करोगे तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है क्या करूंगा मैंने जो उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा, जड़ से ही निकाल दूंगा। मैं तुम्हें इस देश मैंने दिया है कानान देश इस्राएल देश, इस देश को क्या कर देंगे जड़ से ही निकाल दूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया ये भवन को परमेश्वर का कलीसिया को जो मेरे नाम के लिए मैंने ठहराया है अपने दृष्टि से दूर करूंगा अपना दृष्टि से दूर कर दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा उसी दिन ही प्रभु दोनों बोल दिया मैं यहां पर क्या क्या करूंगा यदि मेरा वचन को नहीं माना तो क्या क्या करूंगा। प्रभा यहां पर देख सकते हैं बोलो थोड़ा ही दिन में क्या हो गया भड़कना शुरू हो गया परमेश्वर का कलाम से दिन भय होना शुरू हो गया। मिला तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं लोग अंदर में इतना विक्र आराधना आ गया। पढ़िएगा एसेकियल का किताब उसका 8:3 उसने हाथ से कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया। यहाँ पर परमेश्वर एसेकियल को मंदिर का भीतर में आंगन के फाटक के पास पहुंचा दिया। ध्यान दीजिएगा जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था। जलन उपजाने वाला प्रतिमा का स्थान था जिसके कारण द्वेष। यहाँ पर देखिए वहां पर अंडरलाइन कीजिए वहां क्या देखकर दिखा रहा है देखो यहाँ पर क्या है क्या एक प्रतिमा रखने वाला स्थान मतलब क्या है मूर्ति के लिए एक अलग आल्टर बना दिया। आज बहुत से मसीहों का घर में आल्टर रखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, तीन में प्रभु दिखा रहा क्या है
प्रतिमा रखने वाला स्थान, स्थान इसका बोलते हैं इंग्लिश में क्या है, आल्टर, आल्टर रखा हुआ, उसका पांच पढ़ेंगे। और उसने कहा हे मनुष्य के संतान अपनी आंख उत्तर की ओर उठा के देख, अपना आंख उत्तर की ओर उठा के देख, मैंने अपनी आंख उत्तर की ओर उठा के देखा कि वेदी के फाटक की उत्तर की ओर, उत्तर के उठा कर देखा वेदी का फाटक का उत्तर की ओर, उसके प्रवेश स्थान ही में, उसका प्रवेश करने वाला स्थान में वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। क्या उपजाने वाला? डाह, जलन दिलाने वाला एक क्या है? प्रतिमा। कहां पर? जो मंदिर को परमेश्वर आग से भरा, अग्नि से भरा, महिमा से भरा, जो मंदिर को सुलेमान ने और डेडिकेट किया, उसी मंदिर में भी क्या पड़ा है? आल्टर पड़ा है एक साइड में, दूसरे साइड में क्या पड़ा है? प्रतिमा रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके नीचे देखिएगा, उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? हे मनुष्य का संतान देख रहा है मेरा मंदिर में लोग क्या कर रहा है? इज़राइल का घराना क्या ही बड़ा घृणित काम यहाँ करता है, यहाँ पर कितना घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊँ, ताकि मैं मेरे अपना पवित्र स्थान से मैं निकल जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। और पढ़ेगा, पर तू इनसे भी सुनो, दस पढ़े। अतः मैंने भीतर जाकर देखा, मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवारों पर, ध्यान दीजिए, उसका और भी अंदर में प्रभु उनके लेकर गया, मंदिर के अंदर में, भवन के अंदर में, परमेश्वर के भवन के अंदर में, भीतर में देखा चारों ओर दीवार पर, दीवार पर जाति जाति के, जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं, रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं, घृणित पशुओं और इज़राइल के घराने की, इज़राइल का घराने का दिनों में हमारी बात किया, वहां पर मैं चर्च में देखा चारों तरफ, चर्च का अंदर में चारों तरफ, फुल पीठ से लेकर चारों तरफ और ऊपर में भी क्या बनाया हुआ? चित्र बनाया हुआ, चित्र खोद किया हुआ, आर्ट किया हुआ, क्या क्या है? सारी पुण्य दिलों, सारी यीशु का, उनका मां मरियम का और सारी घाबरेल मिकाएल दूधों का, सबका मूर्ति खोदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तब वह मुझे यहोवा के भवन में उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई, वहां पर स्त्रियां यहोवा का आराधना नहीं कर रहा है, स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। क्या के लिए? तम्मूज, तम्मूज के लिए, तम्मूज भगवान, ये तम्मूज के बारे में हम स्टडी देंगे आपको, हमारा जो स्टडी चल रहा है प्रकाश, जो प्रकाश के सत्र में वो आएगा के तम्मूज के बारे में, आप गूगल में टाइप करके देखें तम्मूज कौन है, वो कहां से आ रहा है, किसके साथ रिश्ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो कौन है? वो हस्बैंड ऑफ एस्तर, एस्तरोथ, हस्बैंड ऑफ एस्तर करके आपको मिलेगा, वहां ध्यान दीजिएगा उस जहां पर रहा, ताकि वो लोग क्या करते हैं, अभी अन्य देवता के पास जाकर बैठकर उपवास कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य से लेकर, और पढ़ते जाओ पूरा देख घर में पढ़ लीजिएगा, बीच बीच में पढ़ते जा रहा हूँ, तब उसने मुझसे कहा 17 से लेकर 19 तक, हे मनुष्य के संतान क्या तूने ये देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपने नाक के आगे लिए रहते हैं, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा ना मैं कोमलता, ना इन लोग ऊपर मैं दया करूंगा ना इन लोग ऊपर कोमलता करूंगा, और चाहे मैं मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे, चाहे कितना भी ऊंचा शब्द से पुकारे, तो भी मैं उनकी बात नहीं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए वहां पर प्रभु क्या कर दिया, उसी मंदिर के ऊपर जजमेंट कर दिया, क्यों? इसी मंदिर में मूर्ति के लेकर आकर स्थापित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने में लिखा है परमेश्वर का मंदिर के साथ मूर्ति का क्या संबंध है, क्या संबंध है? प्रिय भाई प्रिय बहन, इतना महान परमेश्वर इतना चिन्ह चमत्कार के साथ इतना लेकर आने के बाद भी लोग बड़े क्या,
इसी के चलते प्रभु क्या कर दिया, इन लोगों को बधेड़े करेंगे, इन लोगों को खत्म करेंगे, इन लोग से जड़ से निकाल देंगे, निकाल कर फेंक देंगे, वो वैसे के वैसा ही वो पूरा पूरा हुआ है। मिला तो उसी दूसरा इतिहास की पुस्तक में ही प्रभु क्या कर दिया, नबूकदनेस्सर को भेजा 36 में, दूसरा इतिहास उसका 36:7। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबेल ले जाकर अपने मंदिर में रख दिए। और 10, नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बाबुल में मंगवा लिया। सारे यरूशलेम का मंदिर को लूटना दिया प्रभु का बिना अधिकारी से नबूकदनेस्सर आएगा। प्रभु बोला नबूकदनेस्सर मेरा दास है, मैं उनको भेजा हूँ मेरा मंदिर को एक नहीं। धीरे धीरे कर रहा फिर कोई लोग मन पिरा चाहता नहीं मन पिरा। और उसका 14, सब प्रधान याचकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया। याचक से लेकर सारी से लोग परमेश्वर के विरोध में काज करके परमेश्वर का विश्वास को घात किया। और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला, वो अशुद्ध करके डाल दिया। तो 17 से पढ़िएगा, तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और उसने इनके जवानों को और उनके तब क्या कर दिया, आखिर में पूरा अटैक हो रहा है ताकि कसदियों के राजा ने जो नबूकदनेस्सर का सेना उन लोगों पर चढ़ाई किया और इसने इनके जवानों को और उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। पवित्र भवन में मतलब परमेश्वर का मंदिर में सारे जवानों को तलवार से काट काट के फेंक दिया। क्या जवान, क्या जवान, क्या कुमारी, क्या कुमारी, क्या बूढ़े, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता नहीं, किसी पर भी वो कोमलता नहीं किया। यहोवा ने सबों को, यहोवा क्या कर दिया, सबको उनके हाथ में कर दिया, उनके हाथ में कर दिया। खत्म हुआ, 19 तक हो गया, पढ़ो। क्या छोटे बड़े परमेश्वर के भवन के सब पात्र, यहोवा के भवन और राजा और हाकिमों के खजाने, इन सबों को वो बाबेल ले गया। उतना भी नहीं है, सारे देश का सारे खजाने को भी लूट दिया, सारे प्रभुओं का, सारे राजाओं का, सब खजाना भी वो लूट दिया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया, परमेश्वर का भवन का क्या कर दिया, फूंक दिया। फूंक दिया मतलब क्या, आग लगा कर पूरा भस्म करके हवा में मिला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा भवन को, जो भवन के बारे में प्रभु बोला है मैं इस भवन में हमेशा रहूंगा, ये मेरा भवन है, मैं अपना लिया, इसमें दृष्टि रखूंगा, उसी भवन को क्या एक इंसान फूंक सकता है, क्यों फूंका। धन वहां पर ही प्रभु बोल दिया, यदि तू मेरा व्यवस्था में नहीं चला तो मैं क्या कर दूंगा, तो मैं जड़ से उखड़ा दूंगा, इसी स्थान को मैं खुद ही हटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी विपत्ति उन पर आया, खड़ा 19 तक, कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला, यहाँ यरूशलेम का शहरपनाह को भी पूरा तोड़ डाल दिया, और आग लगा कर उसके सब भवनों को जलाया, सारे भवनों को प्रभु भवनों का सब कुछ जला दिया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया, सारे बहुमूल्य सामान को नष्ट कर दिया, खत्म हो गया। परमेश्वर का भवन को परमेश्वर खत्म कर दिया। कितना दुखी की बात है, आज क्या हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। आज क्रिश्चियनिटी में आधा से ज्यादा लोग क्या कर दिया, कलीसिया के अंदर में मूर्ति को दुआ दिया, मूर्ति के लिए अल्टर बना दिया, मूर्ति का किस्म किस्म का मूर्ति को रख दिया, कहीं यीशु को ठांग दिया, कहीं उसका माँ को खड़ा कर दिया, कहीं उसी माँ का अंत में यीशु को बच्चा करके दे दिया, और किसी उनका 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 जोसेफ को रख दिया, कोई कोई इधर रख दिया, और कोई रख दिया। पूरा प्रभु का मंदिर, प्रभु का आराधनालय मूर्ति से भरा हुआ है। कितना प्रभु सहेंगे, कितना सहेंगे, तकरीबन 2000 साल सहा, ये 2000 साल से आज तक प्रभु का भवन बंद नहीं हुआ। आज क्यों हुआ है, हर जहां पर मूर्ति, हर जहां पर मूर्ति पूजा कर रख दिया। प्रभु बोला था लेवी का व्यवस्था का 26 का वन में, वन में लिखा है तुम मेरे लिए कोई मूर्ति नहीं खोदवाना है। तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना, तुम अपने
बनाना नहीं है, दंडवत करना तो दूर की बात है, तू बनाना नहीं है। हाँ, और ना कोई खुदी हुई मूर्ति, ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना, ना लाट अपने लिए ना खड़ी, लाट अपने लिए खड़ा नहीं करना। लाट मैंने क्या इंग्लिश में कहेगा, ऑल ऑफ यू शैल मेक यू नो आइडल्स नॉर ग्रेवन इमेज, नॉर अ स्टैंडिंग इमेज, ना स्टैंडिंग इमेज। एक लाट भी खड़ा नहीं करना है, ताकि एक क्रॉस भी नहीं रखना। यहां पर भी देखिए कुछ भी हम लोग नहीं रखते, क्यों? यहां कुछ ही नहीं रखना, केवल जीवित परमेश्वर यहां का सब कुछ है। हालेलुया। आज हम धीरे धीरे क्या करते हैं, भड़क गया, भड़क गया। कहां पर प्रभु क्रूस रखकर आराधना करने के लिए बोला? उनके चेहरे पर क्रूस रखकर आराधना किया। वो क्रूस में केवल यीशु नहीं मरा, लाखों लाखों मिजरों को मरवाया रोम ने, सिर्फ यीशु केवल थोड़ी मरा। यदि यीशु को कोड़ाली से मार दिया तो कोड़ाली को लेकर के पूजा करेंगे, यदि यीशु को तलवार से मार रहे तो बलिदान होना ही है, यीशु तो बलिदान होना ही है, लेकिन बलिदान यदि कोई तलवार से मारते तो तलवार लेकर रखेंगे। प्रिय भाई प्रिय बहन थोड़ा समझना, आज कलीसिया मन फिरना सब लोग कर रहा है, ऐसा मत कीजिए। प्रभु अभी भी पहाड़ के सामने जो कुटना नहीं टेकता 7,000 लोगों को बचत रखता है। अभी भी ऐसा ऐसा डिनोमिनेशन को प्रभु दुनिया में अभी भी खड़ा करके रखा है, ताकि अपना फुलपीठ में किसी प्रकार की चीजों को नहीं रखता है, बिल्कुल खाली रखता है। हालेलुया करके, हालेलुया। हम अपना जीवन को सुधरना, एक कोरोना एक कीड़ा कलीसिया को बंद करवा सकता है? नहीं। जैसा नबूकदनेस्सर का द्वारा कलीसिया को तोड़वा दिया, ऐसा ही एक आंख से ना दिखने वाला इसी कोरोना से सारी दुनिया का कलीसिया को आज प्रभु बंद करवा दिया। पहला काम लोग का जीवन क्या है? मूर्ति पूजा है, विग्रह आराधना। कलीसिया में विग्रह आराधना से भरा हुआ, किस्म किस्म का मूर्ति से भरा हुआ था। हालेलुया। इसे हम क्या करना है? वापस आना है, ग्रगर से वापस आना। उसी लेवी का व्यवस्था का ही उसी में ही 19:4 भी पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 19:4, तुम मूर्तों की ओर ना फिरना, मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमा ढाल कर ना तो देवता का प्रतिमा ढाल कर ना बना लेना, ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। आज प्रभाव है फर्स्ट थिंग्स, हर कलीसिया के अंदर से मूर्ति को निकाल कर फेंकना। आमीन। कितना लोग हिम्मत रखना चाहते, जो भी मूर्ति एक बिंदु भी किड़ा हो, आइडल माने क्या है? आइडल माने वही है जो वर्शिप के जगह पर जो भी पॉइंट लगाकर एक बिंदु लगाकर मेरी आपके सामने रखेगा, वो भी आइडल है। हालेलुया। इसे हमारा परमेश्वर का निरंतर शर्त है, आत्मा सच्चाई से आराधना करना, वहां पर प्रभु की महिमा उतरता है। आज फर्स्ट थिंग्स कलीसिया बंद होने का कारण कलीसिया में विग्रह आराधना, मरियम पूजा, किस्म किस्म का पूजा स्टार्ट हो गया है। दूसरा चीज क्या है? परमेश्वर का भवन में भय भक्ति नहीं है। लेवी व्यवस्था उसका 19:30 में देख सकते हैं, लेवी का व्यवस्था उसका 19:30 में क्या है? भय भक्ति नहीं, परमेश्वर के भवन में भय भक्ति नहीं। पड़ेगा मेरे विश्राम दिन को माना करना, बाजार नहीं है प्रभु का स्थान। कलीसिया माने जो बिल्डिंग की ना हो, या कोई घर में की ना हो, या एक पेड़ के नीचे करना की ना हो, बिल्डिंग कलीसिया नहीं है। जहां पर भी प्रभु की पवित्र स्थान है, आराधना का जगह है, एक भयभक्ति होना चाहिए। बहुत भयभक्ति नहीं है, भयभक्ति होना चाहिए। चर्च में भयभक्ति नहीं है, असाल्ट है। वो क्या करता है? वो किसी प्रकार की भय नहीं रहता, कोई देखते हैं आराम से आ रहा है, आराधना चल रहा है, लेट माता है। क्या आप सोचिए, आपका कलेक्टर 10 बजे को बुलाया तो आप कितना बजे जाएंगे कलेक्टर ऑफिस? यदि आपका बड़ा बाबू थाना में 10 बजे बुलाया है, आप कितना बजे जाएंगे? आज प्रभु का भवन में 9 बजे आराधना आता है, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:15 बजे,
कलीसिया का दरवाजा खुल जाएगा, अब कभी देरी नहीं करेंगे, कभी प्रभु का भवन में देरी नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक डर नहीं है, भय भक्ति नहीं है, आता है मोबाइल में बात करके, कान में एयरफोन लगा के। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, गेट तक खत्म। गेट के अंदर में आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। यहां पर देखते हैं कितना लोग है मोबाइल टिपते रहता है, आराधना में मोबाइल टिपता है, भजन प्रचार हो रहे हैं मोबाइल टिपता है। कितना विश्वासी लोग उनके बारे में, इनके बारे में तो हमको आकर बताता है, तो उनको फोन करके पूछते हैं, तो वो क्या जवाब देता है, पास्टर ये मोबाइल के अंदर है ना बाइबल है, हम बाइबल को हज रहा था। प्रिय भाई बहन, तो चर्च में आता है बाइबल को घर में रखकर क्यों आता है? ये बाइबल मोबाइल में है उसके में गलती नहीं बोलेंगे, वो वहां के लिए कहीं यात्रा जा रहा है, कहीं ऑफिस में बैठा है, और किसी के लिए बात करना चाहे, बाइबल का बात बताना है, उसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चर्च में आते समय मोबाइल चाहे घर में रख दे, लेकिन बाइबल को घर में रखकर नहीं आना, बाइबल को अपना साथ लेकर आना, बाइबल को खोल कर पढ़ना है। बाइबल पवित्र शास्त्र है। तुम्हारा मोबाइल के अंदर कितना गंदगी है, कितना गंदा फोटो है, कितना गंदा वीडियो है, आज कितना लोग ठोकर वाला है, तुम मोबाइल कहकर टिप रहा है, किसके जाने तू मोबाइल में बाइबल खोज रहा है और किसी को खोज रहा है, कितना गंदे आप वहां से व्हाट्सएप में भेज रहा है ताकि चाटी। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, पिछले दिनों में मेरे को सुनने में मिला, चर्च के अंदर में दो जगह में बैठ के दोनों क्या कर आपस में चैटिंग कर रहे हैं, कितना दुखी की बात है। प्रभु कितना सहेंगे, एक जीवित परमेश्वर का पवित्र स्थान में क्या हो रहा है, तो आप पवित्र कर रहा है। भय भक्ति नहीं है। प्रभु बोला मेरा भवन बनाने के लिए डरना चाहिए तुमको, डरते हुए कांपते हुए आना है, यहोवा का भवन बना है, डरते हुए कांपते हुए। अभी तो गाना गाया, डरते हुए यहोवा को आराधना, कांपते हुए यहोवा को आराधना, डरते हुए। आज भय भक्ति चाहिए, भय भक्ति नहीं तो कैसा होगा, भय भक्ति नहीं तो आपका प्रार्थना कैसा सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने के बावजूद भी उनका भय भक्ति का कारण उनका प्रार्थना सुना गया है। बाइबल में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, इब्रानियों का पत्र उसका पांच के शब्द में लिखा, उनका भय भक्ति का कारण उनका प्रार्थना सुना गया, ना कि वो अपना बेटा होने के नाते। पढ़ेगा यीशु देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार, अपना देने देह में रहने का सारे दिन में ऊंचा शब्द से पुकार पुकार के उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, प्रार्थना विनती किया और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। उसके दूसरे से भय भक्ति का कारण उनका सुना गया, उनका भक्ति। प्रभु कैसा प्रभु, यीशु मसीह बेटा है, एक लौटा बेटा है, सब कुछ उनके द्वारा सृष्टि हुआ, फिर भी और पिता से बात करते समय कैसा बात किया, भक्ति के साथ बात किया, भय भक्ति के साथ बात किया, इस कारण उनका प्रार्थना सुना गया। आज चर्च में आता है भय भक्ति नहीं है। आज जो भी चर्च में अंदर होता है, आपका मोबाइल मोबाइल में बाइबल देखने का जरूरत नहीं है। ऐसे यदि आप बाइबल लेकर नहीं आप भूल गए, बगल वाला का बाइबल से देख लीजिए, लेकिन मोबाइल में नहीं देखना। आज एक निर्णय ले लीजिएगा, मोबाइल अंदर आएगा स्विच ऑफ या तो साइलेंस में रखना। अभी यहां पर दो घंटा हो या तीन घंटा हो, हम परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर का बात सुनेंगे। आराधना हो रहा है, कोई अचानक अचानक काल आ गया, रिंग आ गया, सबको डिस्टर्ब कर रहा है आवाज, तुरंत वो क्या कर रहा है, बंद नहीं कर रहा है, और आन करके हेलो हेलो बोल के बीच में से गुजर के सबको डिस्टर्ब करके बाहर निकल रहा है, बात कर रहा है, आ रहा है। ये प्रभु का भवन है या कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर के सामने बैठा हुआ ऑफिसर कैसा कर सकते हैं? मान लो कितना ऊंच अधिकारी लोग एमएलए जो एमपी लोग के पास गया है, देखिए आप एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात करना है, क्या होता मन में, पहले सिक्योरिटी के पास आपका सारी मोबाइल जोबाइल सारी कैमरा कैमरा होकर अरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद अंदर जाएगा। मालूम है कोई भी वीआईपी के पास जाएगा वहां गेट के पास आपका मोबाइल जोबाइल सब रखना पड़ेगा, रखकर जाना पड़ेगा। आज मेरा जिंदा परमेश्वर वीआईपीओं का वीआईपी है। आज उसका भय भक्ति नहीं है, फिर क्यों बंद नहीं करेगा? आज एक भय भक्ति चाहिए प्रभु के भवन में। देखते हैं कुछ आराधना करता है, देना भाई देखते रहता है, मुस्कुराता है, उसका देखता है, बगल वाला से बात करता है, इनसे बात करता है, कभी उठता है, भागा जाता है, आता है, कोई बच्चा को दुलार करता है,
हालेलुया हालेलुया आज मन फिर ले, आज मन फिर ले, आज पश्चाताप कर ले, अपने जीवन में जो जो चीज था उस चीज को समझ ले। भयभक्ति चाहिए, दोबारा पड़ेगा उसका वजन लाइव 19:30 लेविका 19:30 मेरे विश्राम दिन को माना करना, मेरा विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय, मेरा पवित्र स्थान का भय निरंतर, भय निरंतर करना। पवित्र स्थान में भय भक्त होना चाहिए, आदर होना चाहिए, महिमा होना चाहिए। प्रभु का भाव में घुसते समय आप अपना को धीन करना चाहिए। दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया, एक परिचित था, एक चुंगी लेने वाला मिला। तो लुका रचित उसी समाचार 18 में मेरे खेल में परिचित खड़ा होकर क्यों प्रार्थना, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना कर, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना किया, दो मनुष्य नहीं, दो किस्म की लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाता है, एक परिचित था, एक परिचित था और दूसरा चुंगी चुंगी लेने वाला था। परिचित खड़ा होकर, खड़ा होकर मन में यूं प्रार्थना, मन में यूं प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं मनुष्य के समान, मैं उस मनुष्य के समान दुष्टता करने वाला, दुष्ट करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, अन्याय और व्यभिचारी नहीं है और ना इस चुंगी लेने वाला, ना इस चुंगी लेने वाला का तरह है। मैं सप्ताह में दो बार, मैं हफ्ता में दो बार उपवास करता हूं, अपने सब कमाई का दशमांश, सारी कमाई का मैं दशमांश देता हूं, परंतु चुंगी लेने वाला अब ध्यान दीजिए, इसका प्रार्थना सब कुछ सही था, अन्याय करने वाला, अंधेर करने वाला व्यभिचारी नहीं था, सच में नहीं था। यह हफ्ता में दो दिन उपवास करता, लेकिन हम लोग नहीं करते, अपना सारी कमाई का दशांस भी देता। प्रभु बोला ये परिसर सदस्यों का धार्मिकता से भी तुम्हारा धार्मिकता अधिक नहीं है, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन्हीं का धार्मिकता से भी हमारा धार्मिकता होना चाहिए, लेकिन यह सब कुछ करके कहां पर बढ़ गया, अपना घमंड में, अपना मन में घमंड में। कुछ लोग ऐसा ही हो जाता है, थोड़ा पुराना विश्वास हो जाते हैं, उसके बाद तो लोग अंदर प्रवेश करते समय बहुत बड़ा घमंड हो जाते हैं, घमंड के साथ प्रवेश करते हैं, हम कुछ है इधर ऐसा सोच कर आते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखता तो मेरे द्वारा ही सीखता है, लेकिन जो अपना पास्टर के द्वारा ही सीखता है कलीसिया, लेकिन कलीसिया का कुछ विश्वास पास्टर के द्वारा ही सीखा, लेकिन कुछ सीखने के बाद अपने आप को पास्टर का ऊपर में करवा देता है। किसी को मान देना, सम्मान देना नहीं होता, वो सोचता है अरे हम तो वो देता हूँ, ये देता हूँ, मैं मेरा में इतना रुपया मैं धान देता हूँ, दशांश देता हूँ, मैंने तो हो नहीं है, मैं इतना आत्मा जीता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता, कुछ नहीं है। आपका जो भी चीज आप प्रभु का दिया है, वो प्रभु का एक एक बूंद लघु का सामने कुछ नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए नंगा सूली पर मर के जो बहाया, एक एक बूंद लघु के सामने आपका खूबी क्या है, जिस वक्त आप मन में भी दिमाग में भी सोच लिया मैं कुछ हो करके, आपका सब कुछ मिट गया, खत्म हो गया, उनका गमन में आ जाता है। उसके बाद उसके आराधना में भी क्या ऐसा लगेगा, प्रचार करता ये तो हमको पहले से ही जानता, ऐसे बोल देता पहले से, हालेलुया। निम्र नहीं होता, दीन होने से था, नया लोग दीन होना आसान है, लेकिन जब कुछ पुराना हो जाता है उन लोग का दीन होना मुश्किल हो जाता है। धन्य है वो अकृतम तक दिनों के प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ आनंद काल की महिमा में प्रवेश करके जो प्रभु का दीन करता प्रभु को उठाता, घमंडियों को परमेश्वर सामना करता है। लेकिन वो चिंगी लेने वाला कैसे प्रार्थना किया, पर तो चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर, दूर खड़ा होकर वो नस्तिक आने के लिए भी अपना योग्य नहीं समझा, अपने को दीन किया, दूर खड़ा हो गया, स्वर्ग की ओर आगे उठाना भी नहीं, स्वर्ग की ओर आगे उठाना भी नहीं चाहा, ताकि वो डरता है मैं कितना बाका मनुष्य हूँ, मैं कितना पापी इंसान हूँ, मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, वो समझता वरन अपने छाती पीट पीट कर, छाती पीट पीट कर कहा, कहा हे परमेश्वर, अपना दिल से कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझे पापी पर, हले यार वो ये नहीं बोला अरे मैं इनके तरह भी नहीं हूँ, मैं उनके तरह उनसे भी मैं बेहतर हूँ, मैं इनसे भी बेहतर हूँ, वो विश्वासी से मैं बेहतर हूँ, वो पास्टर से भी मैं बेहतर हूँ, भाई तुम यीशु से बेहतर है, तुमको तुलना करना यीशु से तुलना करना है। हम लोग सब अपना धर्मिकता पुराना फटा हुआ छितड़े जैसे, लेकिन घमंडी लोगों से कलीसिया भर जाता है। प्रेतला और चंगी लेने वाला यूँ एक ही बार प्रार्थना किया,
हे परमेश्वर मुझे पापी पर दया कर। प्रभु बोला अगला समय वचन में ये वापस धर्मियों का अपना घर जाएगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज चर्च माना है भय भक्ति के साथ डरते हुए आना है जीवित परमेश्वर के सामने। अब आते हैं अपने को शून्य करना, अपने को निम्र करना। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं? आपस में झगड़ा, भय, विरोध, जलन, ऐसा अड़वा हट, हर पहाड़ की धोखाबाजी, चल थप्पड़, मुस्कुराता है, प्रेतना बोलता है, लेकिन पीछे जाकर उसको चाकू भोंकते हैं, उनके बारे में निंदा बोलते हैं, उनके बारे में छुकली बोलते हैं। वो सिस्टर वैसा है, वो ब्रदर वैसा है, वो वैसा है, ए वैसा है, ए पास्टर वैसा है, पास्टर का बेटा वैसा है, पास्टर का बेटी वैसा है, पास्टर का माँ वैसी है, पास्टर का बाबू वैसा है, पास्टर का पत्नी वैसा है, क्या फायदा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, प्रभु चाहता पवित्र स्थान में पवित्र लोग प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। कोई किसी से बात नहीं करता, उनको देखकर मुड लेता, उधर प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलता। हालेलुया। कॉटेज मीटिंग रखता है, उनके घर में नहीं आएंगे, इनके घर में नहीं आएंगे, तो कहां जाएगा? अभी सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। अभी सोचिए, अभी प्रभु का थूरी मुकेगा तो कैसा होगा? हम चाहते हैं ऐसा ही जल्दी प्रभु थूरी पूछता है तो अच्छा है, लेकिन सोचिए और लोग उसी समाचार में नहीं जा रहा है, गर्व सिटी नहीं हो रहा है, कॉटेज मीटिंग नहीं हो रहा है, 32वां नहीं हो रहा। इसी हफ्ता में 32वां अगले सोमवार एक विश्वासी बाथरूम में स्लिप होकर गिर के मर गया। आज अपना आपको दीन करना है, प्रभु के पास आना है। प्रभु मैं मुझे मुझे पापी पर दया कर, गिड़गिड़ाइए, नहीं गिड़गिड़ पाएगी। क्यों? शैतान पहले से अपना चिप लगा देता है देन हाथ में, माता माता में शैतान का चिप है। क्या है? तुम जो हंसो फ्रेंड्स, तुम कुछ है दिमाग में डाल दिया, खत्म हो गया तुम्हारा जितना भी खूबियां, खत्म हो जाता। आज दिन होना, भय भक्ति होना, पवित्र स्थान में आते हैं प्रभु के साथ भय भक्ति के साथ गिड़गिड़ा के, प्रभु मुझे पापी पर दया कर, मेरे अंदर में बहुत से कमी है, मेरे अंदर में बहुत से कमी है, मेरा नजरों में कमी है, मेरा बुरा विचारों में कमी है, मेरा खानों में कमी है, मेरा होठों में कमी है, मेरा चाल चलन में कमी है, मेरा हृदय में कमी है, मेरा आत्मा शरीर प्राण में कमी है। गिड़गिड़ाएगा अनंत काल की महिमा में पहुंच जाएगा। हालेलुया। भयभक्ति खत्म हो रहा है, आराधना में भयभक्ति नहीं है। कोई आता है मुंह बंद कर प्रार्थना नहीं करता, ऐसा करो आराधना, मुंह बंद करके आराधना होगा? तुमको गुस्सा आता तो कितना बुलंद आवाज निकालते तुम्हारा मुंह से? आराधना में मुंह निकाल नहीं, यहां पर लिखा प्रभु का महिमा कब हुआ? और एक मन के साथ तब ऊंचा शब्द से सारी आजक को सारी ले मिलो, सारा घाना गाना और खेल लो, सब अपना अपना हाथ में बाजा लेकर, जंज लेकर, थूरी लेकर, सार ऊंचा शब्द से पुकारा, प्रभु की महिमा उतरा है, प्रभु का उपस्थिति उतरा है। प्रेज द लॉर्ड। याजक का, महायाजक का ड्रेस में प्रभु बोला, उसका ड्रेस में बहुत कुछ चीज, इसके बारे में स्टडी दिया हुआ, उनका एक एक वस्त्र अंदर से पहनने वाला वस्त्र, अंदर में से उसके ऊपर, उसके ऊपर छाती में, छाती में लगाने वाला और सिर में लगाने वाला, सिर में बांधने वाला, और सब कुछ बता के आखिर में बोल दिया उनका वस्त्र का हर अंचल में क्या करना है? गंडियों को पर लगवाना। क्या करना? गंडियों की ओर। जब वो महायाजक पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में जाकर प्रभु की आराधना करेगा तो गंडी आवाज देगा। बिना आवाज का खामोश का प्रभु का आराधना नहीं होता है। दुनिया में देखिए, कोई भी मंदिर में, मंदिर में क्या होता है? बाबरे आराधना, जब दीप आराधना होता है सब क्या करता है? पूरा सब अपना अपना गंडी में टांग डांग डांग, कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, कोई मेल नहीं, सामने में डंड डांग डांग डांग। एक आदमी उसके अंदर में एक फूकता है, संग फूकता है, ले लियो होता नहीं होता? आप सोचिए, मंदिर में बिल्कुल खामोश में रहा होता नहीं होता? कुछ मुंह से आवाज रहता, कुछ स्त्री पता नहीं क्यों देना, क्यों आराधना खामोश में नहीं होता है? लेकिन कुछ लोग, कुछ घमंड लोग आता है, आता है मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं ऊंचा पद वाला हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, घर द्वार घोड़ी वाला हूँ, पता है चुपचाप मुंह खोलो, नहीं खोलेंगे हम घर से, कसम का खा गया भाई रहो,
यदि आप स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में 24 आवर्स हफ्ता का सातवां दिन ऊर्जा शक्ति से आराधना, दो स्वर्ग दूतों का आराधना का वाच से मंदिर का नया मिल गया करके ऐसे नबी का किताब 6 में लिखा। हालेलुया। सिर्फ सातवां तुरी पुत्र समय क्या हुआ मन में, सातवां मोर आधा घंटा कले स्वर्ग में शांति छाए, मोर सातवां मोर आधा घंटा कले लिखा हुआ। हालेलुया। तो सोचिए तो 24 आवर्स, यदि बाई चांस गलती से, ऐसा नहीं होना है लेकिन गलती से आप यदि नरक में चले गया तो क्या होगा, उधर खामस मिलेगा। उधर भी क्या होता है, 24 आवर्स दिन में रात सब वेदना से चिल्लाने का आवाज, दांत पीसने का आवाज होगा नहीं होगा। तो आज कितना लोगों का साउंड एलर्जी है, आज मन फिर ले, यहाँ का कोई साउंड एलर्जी है मन फिर ले, साउंड एलर्जी के लिए आज यहाँ पर ट्रीटमेंट है प्रभु की आराधना में। अब स्वर्ग में भी जाएगा, नरक में भी जाएगा, आवाज होगा मन फिर लेना। कुछ लोग बोलता है मेरा बच्चा है ना छोटा है इसलिए हम चर्च में नहीं जाते क्योंकि उनका हवा जैसे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुमार देवी का एक सिस्टर, शुक्रवार को बच्चा जना, रविवार को उसी बच्चा, तीन दिन भी पूरा नहीं हुआ, तीसरा दिन में उसी बच्चा के साथ आके आराधना किया, प्रभु की महिमा किया। कुल्टी से और एक सिस्टर, शुक्रवार को बच्चा जन्म हुआ, रविवार को जबरदस्ती बोले नहीं हमको चर्च जाना है, हमको डिस्चार्ज कर दीजिए। जबरदस्ती डिस्चार्ज किया, घर नहीं गया, सीधा बच्चा को भी साथ लेकर चर्च में आया। क्या उसी बच्चा को हार्ट बीट बंद हो गया? भाई क्या चाहते हैं, आराधना प्रभु का महिमा नहीं करते हैं, प्रभु बंद करवा दिया। आज मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करो नहीं करेंगे, आराधना करो नहीं करेंगे। अभी तो पढ़ा प्रभु यह सब देख कर रहने वाले दिनों में ऊर्जा शक्ति से पुकार पुकार कर और सुबह बहा कर विद्या और प्रार्थना किया। आज हमारा घंटों का सुधरना है, समझना है, कुछ चर्च में ऐसा ही रख दिया है, कोई मुंह खोल के आराधना नहीं करना, मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करना। यदि आप जाकर वहां पर मुंह खोल के ताली बजा आराधना कर देगा, गला दबा कर बगल कर देगा। क्यों? आज प्रभु का महिमा नहीं हो पा रहा है, प्रभु की आराधना नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। भयभक्ति नहीं है, बड़े लोग आदर देना नहीं है चर्च में। जब एक लंगड़ा आ रहा है, पैर टूटा हुआ आ रहा है लेकिन बुजुर्ग लोग पक्के भाग वाला लोग आ रहा है लेकिन बच्चा लोग चेयर में बैठा हुआ है ना, उसके माँ बाप बोलता है बाबू थोड़ा उत्तर के नीचे भाई दादू बैठने दो, बोलता नहीं बोलता। बाइबल में क्या लिखा, लेवी व्यवस्था उसका 19 का लेकर पड़ेगा, लेवी व्यवस्था 19:32। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। खड़ा होना कहाँ होगा, माँ बाप सिखाएगा तो ना बच्चा सीखेगा। आज चर्च में भेज के उस बच्चा लोग का उन लोग का संस्कार कैसा होगा, नहीं होगा। बुजुर्ग लोग जाता है चुपचाप बैठा रहता, ना बाप बोलता है ना भाई बोलता है, उनका पिता बोलता है भाई बाबू नीचे बैठो दादू बैठने दो, बोलता बोलिए तुम्हारा बच्चा का आशीष करेगा, नहीं होता है। सिया चर्च में कोई बड़े को छोटे को आदर देना नहीं होता है, बड़े लोग को प्रेस्तान बोल दे नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु चर्च बंद करवा देते हैं, क्यों? भयभक्ति नहीं है। और माँ बाप को आदर नहीं देता है तो बाकी लोग को कहाँ आदर देगा। बाइबल में क्या लिखा, मेरा तो लेकर पढ़ सकते लेवी व्यवस्था उसका 20 का, लेवी व्यवस्था उसका 20 का 8 और 9 पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था उसका 20 का 8 और 9। और तो मेरे विधियों को मानना और उनका पालन भी करना क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मेरा विधियों को मानना, मेरा सारे आज्ञा को पालन करना, मैं क्योंकि मैं यहोवा पवित्र करने वाला यहोवा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को, कोई क्यों ना हो, अगला लाइन में प्रभु बोल दिया है मेरा विधियों को मानना मैं पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, बोल के अगला वचन में लिखा है कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माँ को श्राप दे, अपना पिता को अपना माँ को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए, निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज माँ बाप को वहां से ही सीखना है, जब माँ बाप को इज्जत नहीं देते हैं क्या ये आज्ञा है, माँ बाप को इज्जत देना, अपना बुजुर्ग को इज्जत देना। कितना हमारा विश्वासी को जानते हैं अपना पत्नी का बात मांग के माँ बाप को त्याग देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप को देखभाल नहीं करते, माँ बाप को कोई मदद नहीं करते।
माँ बाप को झगड़ा करते धक्का देती पति का बात मान के, वो लोग कहा होगा आज प्रे भाई बहन अपना माँ बाप का संभालना है, माँ बाप का ना संभालेगा कैसे होगा, प्रभु का व्यजन को आप खत्म कर लेते हैं। वचन संहिता में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं 149 उसका एक में आराधना होना, गीत गाना है, कुछ लोग मुंह खोल के गीत नहीं गाते, पढ़ेगा यहाँ की स्तुति करो, यहोवा को स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति, भक्तों की सभा में कलीसिया में मंडली में उसकी स्तुति गाओ, उसकी स्तुति गाओ, गाओ नहीं गाना गाना नहीं गाते, पता नहीं गाना गाने के लिए हम लोग साथ मिलकर गाइए, आप गाते गाते सीख जाएंगे, आपको सुर नहीं चाहिए, इधर लता मंगेशकर का जरूरत तो थोड़ी है, लोग बोलते हैं पास्टर आपका गाना ठीक नहीं है, कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, कहीं स्केल से भड़कता है, कोई बात नहीं स्केल से भड़की है लेकिन प्रभु से मत भड़की है, आज आपका गाना कुछ भी सुर कुछ भी आवा लेकिन पूरा मन से गाना गाइए, आराधना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड 89 का 5 में भी इसके बारे में लिखा, प्रभु का भवन में क्या करना, गीत गाना आराधना करना, ये उत्साह है, ये पनिशमेंट नहीं है, कुछ लोग खुशी खुशी मना खुशी खुश ऐसा होगा, झुम के गाना करना है, आराधना करना है, उल्टा के साथ खुशी के साथ आनंद करना है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कुछ जहाँ पर हम लोग राज्य मोदी में कन्वेंशन में जाते हैं, जब उधर जाते हैं कितना खुशी के साथ आदिवासी लोग गीत गा के कितना खुशी के साथ वेलकम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या करना, खुशी के साथ आनंद के साथ गा के पवित्र आत्मा को वेलकम करना, एक आराधना का अनुभव मेरा जीवन बना है, पवित्र मंडली में आराधना होना चाहिए, हालेलुया, और पवित्र पवित्र दिन को आदर करना है, प्रभु का हफ्ता में एक दिन वो प्रभु का दिन है, उस दिन में घर में नहीं रहना, हालेलुया। अभी कुछ लोग बोलता है बंद होने के बाद कुछ लोग फोन किया है, पास्टर सच खुला हुआ है, सच में फोन किया, जब वो चर्च में आकर मेरा कल में तकरीबन 4-5 महीना हो गया, 32वां लिया हुआ 4-5 महीना हो गया, जब लॉकडाउन होने के बाद एक दिन फोन कर रहा है, पास्टर अभी चर्च खुला हुआ है, पहचान उसका हिस्सा में डाटा है, जब लॉकडाउन ना होता था चर्च का रास्ता भूल गया, अभी चर्च बंद है तब फोन करके पूछ रहा है, किसी तरह के लोग हैं आज प्रिय भाई बहन, जब चर्च खुला हुआ था आपके पास आने का मन नहीं है, प्रभु का भवन में आने का मन नहीं है, प्रभु का भवन का आने का आपका पास पैसा नहीं है, आपका दिल नहीं है, उसने मैं घर में बैठा रहता, खाना पकाता, चिकना चिकना बनाता, मीट बनाता, चिकन बनाता और पुलाव खाता, तो दारू पीता, आज प्रभु अपना कलीसिया को बंद कर दिया, मिला तो लेकर पढ़ सकता है निर्गमन उसका 20:8 विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, स्मरण रखना बहुत अच्छा से, ऐसे नबी का किताब उसका 58:13 में बहुत अच्छा से वर्णन करके बताया है, मेरा उस पवित्र दिन को क्या करना, अशुद्ध नहीं करना, 58:13 ऐसा या 58:13 यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में, मेरा पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करे, अपना इच्छा पूरा करने का यत्न ना करे, बाजार घूरे मैका जाए खाना बनाए चिकन खाए अपना इच्छा पूरा करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को, विश्राम दिन को आनंद का दिन, आनंद का दिन यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, समझ कर माने यदि तो उसका सम्मान कर, सम्मान करके उस दिन अपने, उस दिन अपना मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी, अपना इच्छा पूरा ना करे, और अपनी ही बातें ना, अपना बात उस दिन अपना बात भी नहीं बोला, अपना इच्छा पूरी ना करे, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, सुखी होगा नहीं तो सुखा होगा, हालेलुया। आपका सुखी होना सुखा होना है, एक आराधना मिस नहीं करेंगे, कितना बोलना चाहते हैं प्रभु हमारा गलतियों को क्षमा कर याद दिलाकर बलिए है, और एक बार प्रभु हम अपना भवन का, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तो देश के ऊंचे, मैं देश के ऊंचे स्थान में चलने दूंगा, चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष, मैं तेरा मूल पुरुष याकूब की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, याकूब को जो कुछ आशीष किया मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि यहोवा ही, यहोवा की मुंह से यह वाणी निकला, पास्टर पॉल नहीं, यहोवा की मुंह से यह वाणी निकला, हालेलुया हालेलुया।
रविवार ना करेंगे, नहीं सुनाई दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले नहीं करेंगे, आप नहीं सुना लेकिन प्रभु सुन रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ धीमे आवाज से कर रहा है, बीच बीच में करेंगे, हालेलुया। और क्या है, आप मिलाप लेकर पढ़ेंगे, परमेश्वर का भवन में पवित्र अलंकार के साथ आना है। पहला इतिहास उसका 16:29, पहला इतिहास 16:29, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान। ध्यान कीजिए, उनका भवन में आना है, भेंट लेकर आना है और पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद। यहोवा का पास आता है, कैसे आना है, डेंडिंग बेंडिंग करके आना है, पूरा लिपस्टिक लगा के, इधर पूरा झिकला लगा के, आंख के ऊपर में भी कोई रंगिंग पेंटिंग मार के, अपना चूल पूरा कटिंग करके आगे झुला के, पूरा लाल घेरा पहन के और पूरा मॉडर्न ड्रेस पहन के आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र दाई से शोभायमान होके प्रभु यहोवा का धन्यवाद करने के लाना है। मिला तो भजन संहिता में भी पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 29:2, 29:2, भजन संहिता 29:2, यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो। भजन संहिता 96:9 में भी लिखा है, भजन संहिता 96:9, पवित्रता से शोभायमान हो, पवित्रता से शोभायमान होके यहोवा को धन्यवाद करो, जोरदार थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का पवित्र स्थान माना है, पवित्रता से शोभायमान होकर आना है। आपको देखने वालों को लगता है भाई भक्त आना है, आपको देखने वालों को लगता है ये लोग चर्च में जा रहा है। हालेलुया। अब सोचिए, इतना टाइट जींस पहनकर, गंजी पहनकर, आधा फुट वाला हाई हाई हील्स पहनकर टक 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 जाएंगे, किसको गिराने के लिए जा रहे हैं? प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका मेकअप के चलते, आपका ड्रेस के चलते कितना लोग के नजर में ठोकर होता है, कितना लोग दिमाग में ठक्कर होता है, कितना भाई लोग ऐसा ऐसा पहन कर आता है, सिर्फ ऐसा लंबा करके, बाल ऐसा लंबा करके, इधर ऐसा काट के, इधर वैसा काट के, क्या क्या करके रहता है। हालेलुया। आज अपना जीवन का थोड़ा समझिए, अपना जिंदगी का थोड़ा समझिए, आज चर्च में आता है किसी तरह आता है, आजकल छुट्टी भी नहीं लेकर आता है, ऐसा खुला खुला आ जाता है, शर्म नहीं है, बेशरम लोग बन गया क्रिश्चियन लोग, सारे अन्य जाति लोग ठट्टा उड़ाता है, सिर भी नहीं उड़ता है, अपना शरीर कभी नहीं डाकता है, एक भयभक्त नहीं है, शोभायमान होकर पवित्र स्थान माना है, पवित्र दाई से शोभायमान होकर भयभक्ति के साथ एक अच्छा अलंकार के साथ आना है। इसे तो बाइबल में लिखा है, आप मिला तो लेकर पढ़ सकता है, पहला पत्रस का 3:3 में लिखा है, तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल खोदने, सोने का गहने, बांधी बांधी का कपड़े पड़ेगा। और पहला पत्रस 3:3, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अपना घर में बगल में हाथ मिला कर बोलिए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, ना हो। हालेलुया। अर्थात बाल गुदने, बाल गुदने, सोने के गहने, बांध बांध का इसको पूरा बताएगा और लंबा चढ़ा हो जाएगा, बांध बांध का कपड़े, किस्म किस्म मॉडर्न ड्रेस पहन के। हालेलुया। बेचारा उनका माँ बाप को बोलना है, उसका भी बाइबल लिखा है, आप मिला कर लेवी व्यवस्था उसका 19 में, उसका 29 में लिखा है, लेवी व्यवस्था 19:29, 19:29, अपनी बेटियों को वेश्या, अपना बेटियों बेटियों को वेश्या बनाकर, वेश्या बनाकर अपवित्र ना करना, अपवित्र नहीं करना, परमेश्वर का भवन को पवित्र करना, तो अपना बेटियों को वेश्या बनाकर कलीसिया को अपवित्र नहीं करना, पहले से प्रभु लिखकर रख दिया, तो अपना बेटियों को किसी तरह ढंग कर लेकर आना, उसी तरह लेकर आओ। हालेलुया। उसी तरह तुम्हारा अपना बेटियों का वेश्या बना के लेकर नहीं आना, ताकि वो प्रभु का पवित्र स्थान आप पवित्र हो जाए। मेरे भाई मेरे बहन, संभालिए, ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ, आज प्रभु का भय भक्ति खत्म हो गया, पवित्र स्थान का पवित्रता खत्म हो रहा है। हालेलुया। किसी तरह ड्रेस पहन कर आ रहा है, एक बेटी को एक चुन्नी लेकर पहनकर नहीं आ सकता है। कुछ लोग क्या करता है, मैरिज से डर कर चुन्नी को अपना बेटे का दुका के लेकर आता है, ताकि चर्च में आने वाला सारी रास्ता में सबको नजर में गिरा कर यहाँ पर आराधना करने के लिए आता है। या प्रभु आपका आराधना को मानेगा, प्रभु मानेगा, नहीं मान पाए
प्रेज द लॉर्ड। पहला तिमोथियुस का 2:9 में भी लिखा है स्त्रियां भी क्या करना है, कितना जरूरत है उतना आप सही सलामत के साथ आओ। हालेलुया, पढ़ेगा। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, संयम के साथ, संकोच और संयम के साथ सुहावना वस्त्र पहनकर, अपना सारे शरीर को ढकने वाला वस्त्र पहनकर अपने आप को सवारे, अपने आप को सवारे, ताकि बाल गूंथने, बाल गूंथने, सोने मोती, सोने सोने का मोती का और बहुमूल्य कपड़ों से, बहुमूल्य कपड़ों से। आप अपना दिखावा करने का जगह ये चर्च नहीं है, आप अपना घमंड दिखाने वाला जगह चर्च नहीं है, आप अपना सुंदरता ब्यूटी दिखाने वाला जगह यहाँ नहीं है, वो और जगह है। चाहे तो ऐसा कीजिए, उसके लिए हम आज्ञा नहीं देंगे, लेकिन अपना मर्जी कर सकता बाजार में शादी में कहीं उतर देता है, लेकिन चर्च पवित्र स्थान इसका प्रभु इसे बंद करवा कर रख दिया है। भयभक्ति नहीं है आज प्रभु को पवित्र स्थान में जूता पहनकर कुर्ता है। कभी सोच सकते हैं महापवित्र स्थान में कोई जूता पहनकर अंदर जाएगा? आज फुल फिट में जूता पहनकर नाच रहा है लड़का लड़की लोग, जूता पहनकर नाच रहा है, डांसिंग हो रहा है, डांसिंग सिखा रहा है, आराधना में डांसिंग सिखा रहा है। कहां से प्रभु रहेगा? उस महापवित्र स्थान में प्रभु रह सकता है? चिन्नी भी नहीं है, टाइट जींस टाइट गंजी पहनकर जवान लड़का लड़की लोग जो स्टेज में महापवित्र स्थान में कूद रहा है तो क्या होगा? जूता पहनकर प्रभु भोजन बांट रहा है, जूता पहनकर प्रभु भोजन ले रहा है, आज सब कुछ अपवित्र हो गया है। उनका प्रभु भोजन का मान्यता नहीं है, प्रभु का शरीर का मान्यता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का लोगों का मान्यता नहीं है, सब कुछ अपना मन मर्जी चल रहा है। प्रिय भाई बहन, प्रभु इसलिए खत्म कर दिया है, आज अपना चर्च को बंद करवा रहा है। जैसा नेबुकदनेस्सर के द्वारा वो परमेश्वर का सुलेमान का मंदिर को प्रभु बंद करवा दिया, तोड़ दिया, सारी फूंक दिया, जला दिया, सबको सत्यनाश किया। आज ये आदि दिन में दोबारा एक वार्निंग आ रहा है, आज खुद प्रभु अपना भवन को बंद करवा दिया। प्रभु का बिना हुक्म से प्रभु का मंदिर बंद होगा? आज प्रिय भाई बहन करो समझना, प्रभु इनकार कर दिया। बेचारा लवोदिकया का कलीसिया में वो क्या कर रहा था? दरवाजा का भाग रखकर खटखटा रहा है। क्यों? कलीसिया के अंदर हर पहाड़ की बिजनेस चल रहा था, हर पहाड़ की मीटिंग चल रहा था, काउंसलिंग चल रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है? कमिटी चला रहा है, और बहुत प्रकार की बिजनेस हो रहा है, तेल बिजनेस हो रहा है, तेल को बिक्री कर रहा है, हर पहाड़ के रुमाल को बिक्री कर रहा है, वो पैसा कमाने का धंधा बना दिया कलीसिया को, पैसा कमाने का धंधा बना दिया। कुछ लोग बुला रहा है, महीना महीना पैसा भेजो, वे तुम्हारा बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, एक पार्टनर बना देंगे। हाँ, वो बच्चा बहुत उन्नति पाएगा, आपका बच्चा नहीं, उन्हीं लोगों का बच्चा जो आपसे बच्चा के नाम से पैसे ले रहा है, उनका बच्चा उन्नति पाएगा, आपका बच्चा नहीं, आपका बच्चा उन्नति पड़ा है, तू कुट्टा टेकना है, पैसा से उन्नति नहीं आता। प्रिय भाई प्रिय बहन, तू कुट्टा टेक रो, प्रभु बोला है। इसी तरह के लोग आपके और पैसा मांगेगा जानकर तो प्रभु यीशु मसीह पहले बोल कर चल गया, तो अपने लिए अपने बच्चों के लिए रो, रोएगा, रो के दे। आज ये पूरा विश्वास हो गया, धंधा हो गया, सोना का चाबी दे रहा है, सोना का चाबी दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आज भयभक्ति खत्म हो गया है, आज पवित्र स्थान का भयभक्ति खत्म हो गया, सब विश्वास हो गया। बहुत लोग विश्वास करना शुरू कर दिया, पैसा कमाने का धंधा शुरू कर दिया, बहुत लोगों को बुलावट नहीं है, कुछ नहीं है, प्रभु का बुलावट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही झूठ मुठ का पास्टर बन गया। कुछ लोग बाइबल कॉलेज में एक दिन भी नहीं किया, ऐसा ही कहीं से पेपर जुगाड़ कर दिया, डाल देता पास्टर रेवरेंट डॉक्टर सो एंड सो। आज प्रिय भाई बहन, प्रभु कितना सहेगा? आज प्रभु कितना सहेगा? आज इसलिए सब कुछ खत्म हो रहा है। कुछ सही पास्टर है, एक सच में प्रभु का सही दास है, वो डांटता है तुरंत भाग जाता है दूसरा चर्च में। क्या स्वर्ग में जा पाएगा? दूसरा चर्च में भाग जाएगा, पास्टर डांट रहा है, पास्टर वचन से डांटा है तो तुम मंड फिर ले, तुमको लग रहा है तो मंड फिर ले, तुरंत दिमाग में सैतान काम करेगा, तो ये चर्च छोड़ दो, दूसरा चर्च है। इसी के लिए कुछ लोग दरवाजा में हर गिरी में अपना दुकान खोल कर रखा है, चर्च का बुला लेते इधर आई है आपके हमारा कमेटी में मेंबर बना देंगे, क्वायर में जोड़ देंगे, तो क्वायर लीडर बना देंगे, तुमको हमारा प्रचार करना देंगे, ऐसा ही मुझे लालच दिखा के शैतान तुम्हें डांटने के लिए है। इधर पास्टर डांटेगा उधर भाग जाता है। प्रेज द लॉर्ड, आज इसी तरह के पास्टर लोग आपके लिए तैयार में जिंदगी में
में और विश्वासी भी जाकर दांत पी सका नरक में। क्यों विश्वासी बोलेगा ए पास्टर तुम ठीक तरह प्रचार करने से डांट के प्रचार करने से मैं आज नरक में नहीं आना था। पास्टर भी दांत पी सका गुस्सा थे तुम्हारा चलते हमने डरा गया क्यों है तुम तो जो सही प्रचार कर रहा था डांट के प्रचार कर रहा था बोल के ना वो चर्च छोड़ के रहा आया तुम्हारा चलते मैं भी क्या कर दिया डांट के प्रचार नहीं किया तुम्हारा चलते मैं भी नरक में आ गया। पास्टर भी नरक में दांत पीसेगा विश्वासी भी दांत पीसेगा। मेरे भाई बहन आज कलीसिया का पवित्र भाई खत्म हो रहा है भय भक्ति खत्म हो रहा है प्रभु की महिमा खत्म हो रहा है सच में विभचार हो रहा है। वहां पर लिखा पहला करिंथी उसका पांच का एक में लिखा है पहला तो लेकर पढ़ सकता है पहला करिंथी पांच का एक में क्या है विभचार से भरा हुआ कलीसिया। वो कलीसिया क्या था विभचार से भर गया था। पढ़िए यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होते हैं। ध्यान दीजिए अभी कलीसिया में क्या हो रहा दुनिया का छोड़िए भाड़ में दुनिया में सब कुछ चल रहा है ओपनली अमेरिका से लेकर सारी क्रिश्चियन कंट्री होमोसेक्स को लाइसेंस दे दिया अनुमति दे दिया अभी रोड में चल रहा है पूरा विभचार करके रोड में चल रहा है उससे मतलब नहीं है लेकिन विभचार कभी कलीसिया के अंदर नहीं आना था। कलीसिया के अंदर विभचार कोई लड़का देखने के लिए आ रहा है कोई लड़की देखने के लिए आ रहा है यहाँ पर आता है तुरंत मतलब सिस्टर कहीं था आपका नंबर देगा हाँ देंगे ले लीजिए ले लिया हाय हाय भाई शुरू हो गया। प्रभु बंद नहीं करेगा तो क्या करे करेगा आज तुम चर्च में कॉल कर रखा कारण से ना तुम विभचार कर रहा है। चर्च में आने से पहले तुमको पहचान नहीं था जान पहचान नहीं था चर्च में आया सबको प्रेतरा बोला कहीं पर प्रेतरा प्रेतरा ब्रदर प्रेतरा सिस्टर बोलता है ब्रदर बोलता है सिस्टर लेकिन नंबर ले लेता है उसके बाद शुरू कर देता है व्हाट्सएप में फेसबुक में यूट्यूब में बात शुरू। प्रभु बंद नहीं करेगा तो क्यों क्या करेगा। पवित्र स्थान में विभचार चल रहा है गंदगी चल रहा है बागाबागी चल रहा है चर्च माता है जोड़ी जोड़ी हो जाता है पैर माता है जोड़ी जोड़ी होता है उसके डांटेंगे या पास्टर को छोड़ देंगे पास्टर ठीक नहीं है। हालेलुया आज प्रिय भाई बहन कोई आए ना आए मुझे मेरा आत्मा को बचा कर आनंद का जीवन में प्रवेश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड ये कलीसिया पवित्र राय को खो रहा है पवित्र राय खत्म हो रहा है। मॉडर्न ड्रेस मॉडर्न ये करके फटावा जींस पहन के आज कलीसिया आज अपना जीवन को थोड़ा सा सुधर जाए आज अपना जिंदगी को थोड़ा सुधर जाए तो वापस आए कहीं ना कहीं आपको लगा है प्लीज आपके लिए मैं नहीं बोला है पवित्र आत्मा बोलवा रहा है यदि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है तो मन पर लीजिए दीन हो जाइए उसे चुकी लेने वाला का तरह हाँ प्रभु मुझे में खबी है मेरा पाप को क्षमा कर दे मुझे पर रहम कर दे बोल के आप गिर गिराइए छाती पीटिए प्रभु दोबारा खोलेगा प्रभु दोबारा दरवाजा खोलेगा आइए वो प्रभु को बंद कर दे सब अपराधों को बंद कर दे जो जो घुटना टेक सकते हैं वो घुटना टेक ले आज प्रभु के सामने एक बार वजन को गिड़गिड़ाए मेरा जीवन में जो भी कमी गिड़ी आज इस वजन के द्वारा जो जो कमी गिड़ी मेरा जीवन में गुजरे आज भय भक्ति नहीं है प्रभु का पवित्र स्थान का भय भक्ति नहीं है बहुत देरी करके आते हैं टाइम पर नहीं आते हैं रविवार नाका करते हैं पैसा कमाने का धंधा में घुसते रहते हैं पूरा डंडिंग पेंडिंग मारते हैं आते हैं और कितना मेकअप करके आते हैं कितना अलंकार करके आते हैं पवित्र स्थान का पवित्र महिमा खत्म हो रहा है भय भक्ति नहीं है चिन्नी नहीं है सिरवटा नहीं है प्रभु भोजन में ओ प्रभु का आगे नहीं है कोई भी अनुचित नीति से रोटी में से खाए तो ऐसे कटारों में सब पिए और प्रभु का देगा लोगों का अपराधी ठहरेगा। आज फुल पिच में लड़का लड़की के ऊपर नाच हो रहा है पवित्र आराधना में रविवार के आराधना में नाच हो रहा है डांस हो रहा है डांस सिखा रहा है स्टेप सिखा रहा है जूता पहनकर वो घूम रहा है पवित्र स्थान में भय भक्ति नहीं है लड़का लड़की का बिना चुनी पहन के घूम रहा है। आज पवित्र स्थान खत्म हो रहा है आज कोई भी हिंदू किना हो मुसलमान किना हो सिख किना हो जैन किना हो जो भी धर्म का किना हो पवित्र स्थान में कोई चप्पल पहन के नहीं जानता है सारे स्त्री लोग सिर ओढ़ के जाते हैं लेकिन आज किसी तरह की बूंद पकड़ा है पता नहीं आज क्रिश्चियन लोगों आज पवित्र स्थान सब अपवित्र
अपवित्र हो रहा है, गंदगी हो रहा है, कचरा हो रहा है, विपचार हो रहा है, प्रभु का मान मर्यादा नहीं हो रहा है। आज एक बार गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद खुदा बना दी कि तरह अपना कमी घड़ी को मानते हैं प्रभु, उनका जीवन का प्रभु भरपूरी कर आशीष कर, उनका जिंदगी का भरपूरी कर आशीष कर, वो मन फिर में प्रभु सहायता कर आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का नाम, पवित्र आत्मा का संगत सब भाई कहता हम सुबह के साथ सारी प्रति जिंदगी के साथ प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़े, दुनिया के अंत तक बने रहे, आमीन। हालेलुया, सबके जीवन से।